ट्राइपॉड बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है तीन पाइप या तीन स्टिक भी आप ले सकते हैं। मेरे पास तीन अलग अलग पाइप हैं। एक ये बिजली फिटिंग का पीवीसी पाइप है, ये 25 mm का पाइप है। दूसरा नल फिटिंग का पाइप जो आधा इंची फिटिंग वाला पाइप है। और तीसरा मेरे पास है एक कंडम पाइप, इसकी जगह आप कोई सा भी पाइप ले सकते हो। इसके अलावा कुछ पाइप के टुकड़े, इनमें आप देखिए ये बिजली फिटिंग का पाइप है, इसमें इस तरफ एक एक्सटेंशन दिया हुआ है, इस एक्सटेंशन में हम किसी भी पाइप को इस तरह से फंसा सकते हैं और उसको लंबा कर सकते हैं। और एक रस्सी। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम पाइप और लैसे की सहायता से अपना ट्राइपॉड तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इन तीनों पाइपों को इस तरह जमाना है कि जो लंबा वाला पाइप है वो बीच में हो इस तरह से, और यहाँ का लेवल एक समान हो। अब हम इस रस्सी की सहायता से सबसे पहले हम रीत नॉट लगाएंगे। देख लीजिए कैसे लगाते हैं, एस करके एस और एस करके एस और इस तरह से। इस नॉट को हम एक सिरे वाले पाइप पे बांधेंगे यहाँ ऐसे। अब इसके बाद हमें ट्राइपॉड लेसिंग लगानी है। ट्राइपॉड लेसिंग लगाने के लिए इन तीनों पाइपों को इस रस्सी की सहायता से आपस में जोड़ना है। वो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम रस्सी को बीच वाले पाइप के नीचे से निकालेंगे और तीसरे पाइप को इस तरह से, तीसरे पाइप को ऐसे बांधने के बाद में ये इस तरह से वापस उसी ले जाएंगे। और फिर उसके बाद इस तरह से जितना हो सके आप रस्सी की सहायता से इन तीनों पाइपों को आपस में अच्छे से लपेट दीजिए। ये देखिए, ये जो लेसिंग है ट्राइपॉड की, ये स्काउट में कैंप फायर वगैरह के लिए भी सिखाई जाती है। इस तरह का ट्राइपॉड बना के खाना वगैरह पका सकते हैं। इस तरफ से डालिए एक ओर से और दूसरी तरफ से निकाल के ऐसे यहाँ से लाल और सफ़ेद के बीच में से डालिए और दूसरी तरफ से निकालिए ऐसे। इस तरह से हम बची हुई रस्सी को आराम से अपने बीच वाले पाइप में लपेट देती है। अब हमें क्या करना है, जो टुकड़ा है इस पर एक रीप नॉट और लगाना है। रीप नॉट लगाने के लिए पहले आप ऐसे लीजिए, ये बांधिए और दोबारा से लेके ऐसे लगा। अब आपकी रस्सी अच्छे से बन चुकी है। यहाँ पे आप देखिए नीचे वाले हिस्से को आप थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए ताकि ये तीनों हो जाए आपस में।
इसे हम पंखा से घुमा के बैलेंस कर सकते हैं। बीच वाले पाइप को थोड़ा पीछा दीजिए और दोनों पाइप को इस तरह से